लर्निंग आपका बिल्कुल लाइव रहता है अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको टू ऑल द कोर्सेज एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस रहता है यहाँ पे रेगुलर डाउट होते हैं लाइव टेस्ट सीरीज मिलते हैं आपको आंसर राइटिंग सेशन मिलते हैं स्टडी मटीरियल दिया जाता है आपको पी डी एफ फॉर्मेट में एंड यू गेट मेंटोरशिप इन गाइडेंस एज वेल मीन्स यू गेट ईच एंड एवरी थिंग दैट इज स्टूडेंट रिक्वायर्स फॉर टॉप नॉच प्रिपरेशन फाइन ओके तो ये <coughs> 29 दिसंबर से बैच शुरू होने जा रहा है मंजिल सी डी एस वन फॉर ट्वेंटी जो 2023 में अभी एग्जाम आएगा सी डी एस वन उसके लिए जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स टीच करेंगे एंड सिंधान शर्मा सर विल टेक केयर ऑफ योर इंग्लिश पार्ट ठीक है जिसकी क्लास कितने बजे होगी एवरी डे फोर ओ ठीक है एंड इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा ठीक है तो एनरोल कीजिए एंड इसको लगाएं ठीक है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए बैच ओके एंड ये भी सीडीएस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ही है ठीक है जो अभी शुरू हुआ है कल से ही शुरू हुआ है आपका अगर नहीं अभी तक लगाया है आपने तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे भी आपको टॉप एजुकेटर्स ही टीच करेंगे ठीक है किक स्टार्ट योर डिफेंस एग्जाम प्रिपरेशन विद उम्मीद 2023 बैच इसका नेम क्या है उम्मीद 2023 ट्वेंटी बैच ठीक है ओके तो ये आपका यहाँ पे कॉस्ट थोड़ा सा गलत गड़बड़ हो गया है इट्स टू टू फोर नाइन आपको कितने का पड़ेगा टू टू फोर नाइन एंड इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है एंड अगर आप अगेन कोड यूज करेंगे और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कितने का टेन परसेंट का कौन सा कोड यूज़ करने पे सिद्धांत लाइव इफ यू यूज़ द कोड सिद्धांत लाइव तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा इसके ऊपर टेन परसेंट ठीक है ओके okay. तो ये कुछ कॉस्ट स्ट्रक्चर है आई यू कैन हैव अ लुक ठीक है प्लस के लिए एंड इफ यू यूज़ द कोड सिद्धांत लाइव तो आपका और कम हो जाएगा ये ठीक है एंड ये फॉर आइकॉनिक स्टूडेंट्स के लिए है ठीक है सिद्धांत लाइव यूज करने पे आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है ओके okay, तो ना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन विद द मॉक टेस्ट तो देखते हैं आज का फर्स्ट मॉक टेस्ट का हमारा वर्ड क्या है ठीक है ओके okay, हमने क्या सिलेक्ट करना है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द गिवन वर्ड फ्लीटिंग ओके तो मैं तो आपको साथ साथ में ही इनके आंसर्स बताती रहूंगी बट वॉट यू कैन डू इज यू कैन पॉज द वीडियो एंड देयर आफ्टर यू कैन आंसर एंड फिर आप इसको रिज्यूम करके देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत एंड एट कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर लिख दीजिएगा कि आपका कितना स्कोर रहा एंड इफ यू वांट मोर मोर वीडियोस लाइक दिस ठीक है तो जैसे मॉक टेस्ट वाली या फिर आपको जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं वही चाहिए ठीक है कि जो हम रेगुलरली में आपके लिए ऐसे ईडियम मुकाबले कर आती थी वो चाहिए आपको या फिर ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बता देना प्लस स्कोर अपना स्कोर भी आप आ, बताएंगे प्लस ये भी बताएंगे कि यह आपको अच्छी लगी ऐसी वीडियोस मॉक टेस्ट की और लेकर आनी चाहिए या फिर जो हम पहले कंटिन्यू कर रहे थे वही कंटिन्यू करें ठीक है ओके तो फर्स्ट वर्ड है हमारा आज का फ्लीटिंग 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 क्या होता है जी लिव्ड फ्लीटिंग मीन्स लिव्ड या फिर वीकेमानेंट कुछ अस्थाई ठीक है इन हिंदी अस्थाई तो देखो क्या होगा इसका आंसर आप वीडियो पॉज करके इसके आंसर सभी के लगाते रहेंगे ठीक है इट्स आंसर इज बट मैं साथ में बता देती हूँ इट्स आंसर इज ट्रांस ये भी क्या होता है इम परमानेंट अस्थाई जो बहुत ही कम समय के लिए रहे लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड ठीक है ओके तो नेक्स्ट देखते हैं जी नेक्स्ट है हमारा अगेन हमने सिमिलर ही चूज करना है गायल क्या होता है इसका मतलब कनिंग इट मीन्स कनिंग गायल मीन कनिंग अगेन आप इनमें से आंसर चूज करेंगे बहुत ही ईजीली आपको इसका आंसर तो मिल जाएगा It's chicanry. Chicanry. देखो ऑनेस्ट हॉट एंड चार्मिंग ये नहीं कानिंग ऑनस्ट ईमानदार उल्टा हो गया है ना हॉट गर्म हो गया चार्मिंग ये बहुत ही चार्मूल इन खाम नेचर का होना चार्मिंग पर्सनालिटी हम बोलते हैं बोल तो इट्स आंसर इज चिकेनरी दैट इज चालाक या फिर वी कैन से छल या खिलावर ठीक है ओके नेक्स्ट okay, देखते हैं अभी हमने ऑपोजिट चूज करना है जी सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एंड यस वन मोर थिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द इंस्ट्रक्शन

कोई मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप लाइक दिस हम यही बोल देते ना वर्शिप वाली जगह अ प्लेस ऑफ वर्शिप या पवित्र स्थान ठीक है तो अनहॉली उसका उल्टा हो गया अपवित्र या गॉडलेस तो क्या होगा इसका आंसर देखो क्या होगा इसका आंसर इट्स आंसर वेनरेट वेनरेट क्या होता है worship या yeah, we can say regard with great respect kisi ko regard karna with great respect ya yeah, worship puja venerate puja theek hai and unholy kya ho gaya उसका उल्टा अपवित्र या godless ठीक है okay तो next देखते हैं क्या है अगेन हमें ऑपोजिट ही चूज करना है लेक्स क्या होता है वन हु इज़ नॉट हैस पर्सन के लिए वी कैन यूज द वर्ड लैक्स ठीक है कि वो काम को लेके सीरियस नहीं है हीज हीज अक्स ऑफ आर टीम है ना यरलेस तो इसका आंसर क्या रहेगा देखो ऑपोजिट फॉर्म फॉर्म क्या होता है डिटमेंट जो वहीं पे स्थिर रहे डिटमेंट डिटमेंट फॉर्म डिटर्मेंट या फिर वी कैन से स्ट्रॉन्ग बट इसके साथ अगर हम देखें तो इसका ऑपोजिट फॉर्म बनेगा एंड रहेगा ये डिटामेंट जो डिटामेंट हो ठीक है तो आई होप सबको समझ आ रहा है अगर वीडियो अच्छा लग रहा अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी बता दीजिएगा एट द एंड ऑफ द वीडियो प्लस ये भी बता दीजिएगा कि आपको सेशन अच्छा लगा कि मैं ऐसे ही और आपके लिए सेशंस लेकर आऊं या नहीं या आपको वही पहले वाला ही हम कंटिन्यू करें ठीक है ओके नेक्स्ट okay, देखते हैं अभी क्या है ओके फाइन नाउ वी हैव टू सिलेक्ट दी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है जी देखिए विच वन इज रॉन्गली स्पेल्ट ध्यान से इट इज वैक्यूम क्या होता है इसकी स्पेलिंग इट्स डब्ल्यू यहाँ पे डबल सी नहीं होता डबल यू होता है डबल यू वैक्यूम वैक्यूम क्लीनर ये तो आपको पता ही होगा है ना डेंजरस स्किलफुल ब्यूटिफुल ये सभी की मीनिंग आपको पता ही है है ना बहुत ही ईजी है ओके नेक्स्ट अगेन हमारे पास रॉन्गली स्पेल्ट ही आया है कौन सा है जी रोंगली स्पेल्ट रॉन्गली स्पेल्ट एट्स नॉट ई इट्स डबल टी यहाँ पे होता है डबल टी क्या होता है ये ये क्या होता है नॉट गांठ है ना तो ये बहुत सारी गांठें पड़ी हो मींस वेरी कॉम्प्लेक्स या वेरी डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लिकेटेड ठीक है वेरी कॉम्प्लेक्स तो इट्स यहाँ पे इसके स्पेलिंग क्या है डबल टी आएगा जी यहाँ पे ठीक है ओके तो नेक्स्ट देखते दे हैं क्या है ओके सेवन टू टेन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ फोर ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईजियम्स एंड फ्रेज ओके नाउ ईजियम्स एंड फ्रेज है हमारे पास सेवन टू टेन तो देखते हैं फर्स्ट ईजियम क्या है हमारा फारिदा जी क्या है फारिदा जी इसका? क्या मीनिंग होता है इसका क्या होता है इसका मीनिंग जो जो बंदा बहुत ही वी कैन से पुराने ख्यालों का या फिर पुराने uh, फैशन का हो ओल्ड फैशन पर्सन दैट इज फी दटी ओल्ड एंड ओल्ड फैशन एंड फुलेस्ट टाइप ऑफ पर्सन दैट इज फडी दटी ठीक है आई होप सबको समझ आया नेक्स्ट देखते हैं मिल्क एंड वाटर मिल्क एंड वाटर मिल्क एंड वाटर मीन्स मिल्क एंड वाटर मीन्स ंग देल एंड एबिलिटी लाइक वी कैन से खोखला मान लो कि हमने किसी से कुछ या कुछ आइडियाज मांगे और हमें उसके आइडियाज खोखले से लगे मतलब इतना उसमें दम नहीं लगा तो कि उसके आइडियाज क्या थे मिल्क एंड वाटर ठीक है क्लियर हुआ हम्म hmm. नेक्स्ट देखते हैं जी क्या है फील ब्लू क्या होगा इसका आंसर आप भी मार्क करते रहिए एंड अपना स्कोर एंड में आपको बताना है फील ब्लू ये तो बहुत बार आपने सुना होगा पढ़ा होगा आपने यूज भी किया होगा ठीक है टुडे आई एम फीलिंग ब्लू depressed, स्ट्रेस्ड ठीक है तो इट्स आंसर बी फील ब्लू उदास होना दैट इज फील ब्लू एंड अगर आपने सिद्धांत सर की क्लासेस लगाई हैं बहुत पहले सर को आदत थी कि वो एक पोएम सुनाते थे फील इस पे फील ब्लू आपने सुनी होगी है ना और आज भी अगर आप अगर अभी सर की क्लास है आई थिंक फोर ओ क्लॉक तो बोलना सर से है ना कि सर वो जो आप फील uh, ब्लू कुछ करके पॉइम सुनाते थे वो प्लीज हमें आज सुनाइए ठीक है क्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट मीन क्या मतलब लगाए आप पहले इट्स मीनिंग इज भटकना मीन्स कुछ रेलिवेंट uh, बात करते करते कुछ इरेलीवेंट सब बोलने लग जाना स्टार्ट डिस्कसिंग समिंग इरेलीवेंट Means, अपने टॉपिक से भटक जाना फाइन uh, तो आई होप सब कुछ समझ आया एंड प्लस uh, अपना भी कमेंट सेक्शन में स्कोर बता दीजिएगा प्लस अपना जो भी आपके व्यूज uh, हैं इसको लेकर ठीक है कि आपको अच्छा लगा ये सेशन ठीक है इफ यू वॉन्ट मोर लाइक दिस तो भी वो भी कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ठीक है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर द वीडियो प्लस सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेशन फ्रॉम आर साइट एंड यूज द कोर्स सिद्धांत लाइव टू अवेल टेन परसेंट डिस्काउंट इफ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग सब्सक्रिप्शन ऑन अनडमी प्लस या फिर अन अकेडमी आई पे ठीक है ओके तब तक के लिए बाय टेक केयर ऑल ऑफ यू आन कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको ऐसे ही टेस्ट सीरीज चाहिए या फिर जो हम पहले कर रहे थे ईडियम्स एंड ऐसे ही वकाब वर्ड्स जो मैं आपको करवा रही थी वो वाले चाहिए ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग आई कम अप विद नेक्स्ट वीडियो फॉर यू पीपल ठीक है ओके बाय टेक केयर ऑल ऑफ यू